हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाफ इंजीनियर में। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि जो हमारी जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होती है तो जो सरिया जो है कहीं ख़त्म हो गया बीच में, तो हम लोग उसको लैप कैसे करें, उसको आगे एक्सटेंड कैसे करें। तो हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं उसके लिए, एक होती है वेल्डिंग, एक होती है लैपिंग और एक होती है कपलिंग। तो इन तीनों में से कौन सी मेथड जो है सबसे बेस्ट है और कौन सी मेथड कहाँ पे यूज़ करने में हमको फ़ायदा है और हमारे घर जो है बहुत ही मजबूत बने, ऐसी कौन सी मेथड है, क्या है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो जानते हैं कौन सी ऑप्शन जो हम बेटर है हमारे शरीर को लैप करने के लिए, कपलिंग बेटर है या लैपिंग बेटर है या फिर वेल्डिंग बेटर है। चलिए जानते हैं डिटेल में। चलिए पहले जानते हैं वेल्डिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। वेल्डिंग का क्या कैसा असर होता है सरिए पे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, सब जानते हैं। तो IS 1786 जो बोलती है वो ये बोलती है कि केमिकल कंपोजिशन जो है और कार्बन कंपोजिशन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए सरिया में, ताकि उसको हम वेल्ड कर सकें बढ़िया से। और अगर कोई भी सरिया जो ये रूल को जो फॉलो नहीं करती है, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है सरिया को वेल्ड करने में, और उसकी स्पेशल केयर रखी जाती है, प्रिकॉशंस रखी जाती है, उसके बाद ही उसको वेल्ड किया जाता है, नहीं तो वेल्डिंग नहीं किया जाता। और IS 1794-17 ये बोलती है कि हमारे जो है कोल्ड वर्क स्टील बार जो है उसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इम्प्रूव द डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ बार। उसका जो डायमेंशनल टॉलरेंस जो होता है, उसका क्षमता जो होता है, सहनशीलता जो होती है सरिया की, वो कोल्ड वर्कड स्टील बार की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं वो क्या है, वो हॉट रोल्ड बार है। ये जो हम लोग सरिया है ये हम यूज़ करते हैं हमारे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, ना कि ये हम कोल्ड रोल्ड बार यूज करते हैं। तो हमको वेल्डिंग करने से पहले सोचना पड़ेगा। और देखिए, जानते हैं हॉट रोल्ड बार को अगर हम वेल्ड करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली यही यूज़ करते हैं और ये होती है हमारी हॉट रोल्ड बार। तो इसकी जो अगर हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे और वेल्डिंग करेंगे अगर हम अपनी सरिया को एक्सटेंड करने के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी हमारी ये जो अपनी स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अपनी स्ट्रेंथ खो देगी, कुछ हद तक अपनी स्ट्रेंथ ये खो देगी। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसकी लचक जो होती है सरिए में, एक लचक जो होती है सरिए में वो खो देगी। और ये जो है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी ये लूज कर देगी। डक्टिलिटी जानते हैं क्या होती है? डक्टिलिटी ये होती है कि किसी भी मेटल को अगर हम क्या बोलते प्रैक्टिकली अगर हम उसको डिफॉर्म करेंगे, किसी भी अलग फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे उसको बेंड करेंगे, किसी और भी दूसरे फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो अच्छे से हो जाए बिना कोई फ्रैक्चर किए, बिना कोई फ्रैक्चर हुए, मतलब उसके उसमें जो क्रैक आ जाएगा, दरार आ जाएगा, वो बिना क्रैक आए हम उसको किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो वो जो है अपना ये प्रॉपर्टी भी खो देगी, और अगर हम उसमें उसको जो अगर किसी और भी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी वेल्डिंग के साथ प्रॉब्लम बहुत ही सारी आती है। और ये जो यहाँ पे ये देखिए वेल्डिंग किया हुआ है, और ये जो अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे तो हमारे जो ये नीचे की बार है और ये ऊपर की बार है, यहाँ पे तो हमारी कोई भी हीट वेल्डिंग करते वक्त जो हीट होता है, हीट सरिए में बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो नीचे की जो है सरिया वो एकदम कोल्ड रहेगी, ठंडी रहेगी, ऊपर भी इधर सरिया ठंडी रहेगी, लेकिन जहाँ पे हम वेल्डिंग करेंगे वो जो है एरिया बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ये अपनी स्ट्रेंथ यहीं से खोएगी, और ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो यहीं इसकी लूज हो जाएगी। और कभी अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो यहीं से फेलियर होगा, यहीं से ये जो है क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, जहाँ से हम लोग वेल्डिंग किए हैं, जहाँ से हमको वेल्ड करके आगे सरिया बढ़ाना है, जहाँ पे हमको स्ट्रांग रखना है सरिया को, ये वहीं से जो है कमज़ोर हो जाएगा। जानते हैं लैपिंग के बारे में, लैपिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए,
ये जो है ये फिगर में जो दिखाया गया ये है लैपिंग। एक सरिये को हम दूसरे सरिये से सरिये के ऊपर से लेके जाते हैं, और ये जो है ये जो लेंथ है इसको हम लैप लेंथ बोलते हैं। ये लैप लेंथ देना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला जो है वो है 50D। यहाँ पे डी क्या है? तो डी है डाया की जो से रॉड की जो डाया होती है, डायमीटर होती है, वो हमारी डी है। तो 50 इंटू जो जिस डाया की रॉड को हम लैप कर रहे हैं उसका डाया मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उतना mm हमको लैप देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम बार को अगर हम लैप कर रहे हैं तो वो हमको जैसे 16 mm की कोई बार को हम लैप कर रहे हैं, 16 mm 16 mm की बार को, तो 50 इंटू 16 होगा, और जो आएगा उतना mm हमारी जो है लैप देना पड़ेगी देना पड़ेगा हमको, ठीक है। और जब डिफरेंट बार, अगर डिफरेंट बार जैसे यहाँ पे हम 16 की बार लिए हैं, यहाँ पे अगर 12 की बार हम अगर लैप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो है स्मॉलर डाया की जो है बार है उसका जो है डायमीटर कंसिडर किया जाएगा। जैसे 50 इंटू यहाँ पे 16 और 12 की जो बार है तो 50 इंटू 12 किया जाएगा, और उसकी लैप लेंथ जो निकलेगी वो हमको लैप करना पड़ेगा। और देखते हैं कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं लैपिंग की, लैपिंग करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है रॉड सीधी नहीं आ रही है, रॉड यहाँ ऊपर से आके उसके बाद ऐसे स्टैगर्ड करके उसके बाद नीचे गया जा रही है। तो वही जो है स्टैगर्ड पोर्शन इज़ नॉट डन प्रॉपरली। अगर हम लोग जो है ये जो स्टैगर्ड पोर्शन है ये अगर हम लोग सही ढंग से नहीं करेंगे, और मिस्त्री लोग जो ये करता है उनसे प्रॉब्लम कुछ दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। अगर अगर ये थोड़ी बहुत भी दिक्कत आएगी और लोड जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रॉपरली, अच्छे से वर्टिकली लोड जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा एक बार से दूसरे बार पे, तो ये बहुत ही ख़राब है, यहाँ से ये फेलियर कर जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ये लैपिंग जो है अगर सेम स्मॉलर सॉरी स्मॉलर डाया में अगर हम करेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, और ये कॉस्ट भी जो है इसकी आएगी हमारी सही आएगी कॉपलर के हिसाब कॉपलर के कॉपलर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी अगर हम स्मॉलर डाया में करते हैं तो सही कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगी, ठीक है। और अगर हम स्मॉलर डाया में अगर कॉपलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही हाई जाती है, उसकी रेट जो है बहुत ही हाई हो जाती है, इसलिए हम स्मॉलर डाया में लैपिंग यूज करेंगे। और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वेस्टेज भी होती है बार की अगर लैपिंग करते हैं, तो ये जो लैप लेंथ जो जा रहा है ये सब एक तरह से वेस्टेज ही है। लेकिन ये भी है कि ये लोड जो है फॉर्मूला दिया गया है, ये लैप करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो है लोड जो है ट्रांसफ़र हो सके प्रॉपरली। चलिए देखते हैं अब कॉपलर, कॉपलर क्या होता है? तो कॉपलर ये देखिए ये जो फिगर में दिख रहा है ये है कॉपलर। ये MS की एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक मटेरियल होता है जिसमें जो है अंदर होलो होता है और अंदर में थ्रेड कटा हुआ रहता है, और ऐसे ही हम बार में भी जो है ये देखिए यहाँ पे थ्रेड बना दिया गया है, ये मैन्युअली थ्रेड बनाया जाता है दोनों बार में, और इसको इधर ज्वाइन कर दिया जाता है, इधर इसको इधर ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और कॉपलर जो है हमारी जो है ये जो इसमें जो ये बार जो है हमारी वेस्ट हो रही बार जो हमारी एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है उसकी जो है वेस्टेज कम कर देता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है, ये और ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है, और इसमें जो है लोड जो ट्रांसफ़र होता है वर्टिकली बहुत ही अच्छी होती है, एकदम स्मूथ होती है लोड ट्रांसफ़र। और अगर हम ये हायर डाया में एकदम हायर डाया जैसे 32 का हो गया 25 का हो गया इस समय अगर यूज करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट भी लैपिंग से जो है वो कम आ जाएगी। अगर हम लैपिंग करेंगे क्या बोलते हैं 32 का mm 32 mm का रॉड में अगर हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग करने में भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। 32 की सरिया को ऐसे स्टैगर्ड करके उसको लैप देना वो बहुत ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, और अगर हम उसमें कॉपलर यूज करें तो बहुत बेहतर होगी, लोड भी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र होगा। और इसमें अगर हम लैपिंग में जो है अगर लैपिंग अगर देंगे 32 mm की बार में तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगी। ये जो सरिये ये लैप लेंथ जो है वो सरिये की हम लैप लेंथ की जो बार है उसकी हम अगर कॉस्ट निकालेंगे तो वो बहुत ही हाई कॉस्ट निकलेगी उसकी, और वहीं पे अगर हम कॉपलर का कॉस्ट निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं लैपिंग से कम आएगी। तो अगर हायर डाया के लिए अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कॉपलर यूज़ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा,
और छोटे कंस्ट्रक्शन में, छोटे प्रोजेक्ट सब में, कहीं घर बनाना हो, कुछ बनाना हो, उसमें अगर हम 12 mm 16 mm तक की जो सरिया अगर यूज करते हैं तो आप ज़रूर लैपिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन यही है कि इसको बस प्रॉपरली करना है तो कोई दिक्कत नहीं है लैपिंग में। और ये हमारी वेल्डिंग हो गई, तो वेल्डिंग तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये जो है यहीं से फेलर हो जाएगी, यही ये जो स्ट्रेंथ है वही घट सॉरी बार की जो स्ट्रेंथ है वो यहीं से घटा देती है। तो वेल्डिंग तो बिल्कुल भी मत कीजिए, और लैपिंग तो हम कर सकते हैं अगर स्मॉलर डाया से, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो आप लैपिंग दे सकते हैं। और अगर आप हायर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हायर डाया यूज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कॉपर के साथ जा सकते हैं।